वहीं रामबन में जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों पर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाब नमी आजाद ने कहा, यह सिर्फ डोडा में नहीं बल्कि राजौरी पुंछ में 2 साल से चल रहा है। अचानक से आतंकवादी गतिविधियां होना, इससे हमें परेशान होने की जरूरत है। कई सालों के बाद आतंकवाद से राहत मिली थी, लेकिन फिर से ऐसी गतिविधियां होने लगी है। आतंकवाद का खात्म होना विकास, जनता और रोजगार के लिए जरूरी है। इस क्रम में सरकार जो भी कदम उठा रही है वह सही है। ये सिर्फ डोडा में नहीं है, पूरे जुमा सुबह जम्मू में, बल्कि अगर देखेंगे तो राजौरी पुंछ में 2 साल से चल रहा है और अभी 1-2 महीने से, चाहे वो राजौरी पुंछ हो, चाहे वो कठुआ हो, सांबा हो, चाहे वो डोडा हो, चिनाब वैली के दूसरे हिस्से हों, उन तमाम जगहों पे होता है। और अभी 1-2 दिन से तो अभी कश्मीर में भी शुरू हो गया, जैसे कल ही हुआ था और कुछ दिन पहले भी, 1 हफ्ता पहले कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ। तो ये अचानक मिलिटेंसी का गुज़श्ता 2-3 महीनों से होना, ये भी एक अजीब बात है और इससे हमको परेशान होने की भी जरूरत है, क्योंकि बड़े अरसे के बाद, कई मुद्दत के बाद, कई सालों के बाद मिलिटेंसी से एक राहत मिली थी पूरी रियासत को, और जिसकी वजह से टूरिज्म दोबारा बहाल हो गया था, टूरिस्ट अब दूर दराज इलाकों में जाना शुरू हो गए थे। तो इस बढ़ती हुई मिलिटेंसी से हमारा फिर दोबारा नुकसान होगा, इसलिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, मेरी जो इतला है तो सिक्योरिटी फोर्सेस कहते हैं कि मिलिटेंट्स एक्टिव नहीं है, हम एक्टिव हैं, क्योंकि जो छुपे हुए थे अब उनको जंगलों से हम निकाल के मार रहे हैं। तो जाहिर है जो छुपे हैं तो वो पोशीदा जगहों पे बहुत अरसे से छुपे हैं, तो फौज जब जाती है तो उन छुपी ही जगह का पता नहीं चलता। लेकिन अगर ये हकीकत है जैसा गवर्नमेंट का कहना है कि हम बिल्कुल जंगल भी, पहले हमने शहर साफ किए, गांव साफ किए, अब हम जंगलात में जहां ये छुपे हैं वहां भी साफ कर रहे हैं मिलिटेंट्स को, तो फिर ये एक खुशामदीद चीज है। जाहिर है उसमें कुछ नुकसान होगा फौज का, पुलिस का, आर्मी का, लेकिन अगर उससे ये साफ हो जाती है मिलिटेंसी हमेशा के लिए, क्योंकि मिलिटेंसी का खत्म होना हमारी रियासती अवाम के लिए, रियासती फरोग के लिए, रियासती टूरिज्म के लिए, रियासती डेवलपमेंट के लिए और रियासती अवाम के लिए, क्योंकि जो मरे जाते हैं वो भी तो हमारे भाई बच्चों को, बुजुर्गों को, बहनों को, बेटियों को मारते हैं, और जितनी देर मिलिटेंसी रहती है उतनी हमारी बेकारी और बेरोजगारी बढ़ती है, और बाहर से कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए नहीं आता है, फैक्ट्री लगाने के लिए नहीं आता है। इसलिए जो कदम सरकार वो उठा रही है मिलिटेंसी को कदम करने के लिए, उसमें तो एक अच्छा कदम है, वो रियासत की बहबूदी के लिए है।